दिव्या को गुजरे एक महीना हो गया था और ऋषभ अब अपनी जिंदगी दिव्या की यादों के सहारे गुजारने वाला था। ऋषभ अक्सर गार्डन में बैठ पेड़ पौधों को सुकून से देखा करता, और देखता भी क्यों ना, दिव्या का एक खास नाता जो था इन पेड़ पौधों से। ऋषभ और दिव्या दोनों ही इस गार्डन में बैठ के अपने आने वाले सपनों को संजोते। अब ऋषभ को अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी थी। एक बार ऋषभ को ऑफिस के काम से मुंबई जाना था और उसने ऑफिस से ही समीर को फोन किया। हेलो यार समीर, मुझे ऑफिस के काम से मुंबई जाना है, क्या तू कुछ दिन मेरे यहाँ रह सकता है? पेड़ पौधों को पानी देना होता है, बस सिर्फ कुछ दिन की ही बात है यार, दिव्या ने बड़े प्यार से लगाए थे। ऋषभ की हर बात में दिव्या का जिक्र होता था। समीर अगले ही दिन चौकीदार से चाबी लेकर ऋषभ के घर चला गया। समीर सबसे पहले उसके गार्डन गया ताकि वो पेड़ पौधों को पानी दे सके, लेकिन उसने देखा मानो अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने उनमें पानी डाला हो। समीर को कुछ बात हजम नहीं हुई। बात को नजरअंदाज करते हुए समीर घर के अंदर आ गया। रात को लैपटॉप पर काम करते करते वो सो गया। देर रात जब उसकी प्यास से आंख खुली तो उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। रात में बेड पर सोया था, लेकिन जब वो उठा तो उसने अपने आप को सोफे पर पाया। बात काफी डरा देने वाली थी, लेकिन उसे लगा शायद उससे ही कोई भूल हुई होगी। वो वापस जाकर बेड पर सो गया। लेकिन समीर की ये रात इतनी आसानी से नहीं कटने वाली थी। वो लेटा ही था कि उसे किचन में कुछ खटपट सुनाई दी। किचन बेडरूम से काफी दूर नहीं था तो उसे आवाजें साफ साफ सुनाई दी। इसके साथ ही समीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अलावा कोई और भी उस घर में मौजूद है। समीर ने उठकर देखा तो किचन में कोई नहीं था, लेकिन डाइनिंग टेबल की एक चेयर अपनी जगह से थोड़ी पीछे थी, मानो अभी अभी कोई उस पर बैठ कर गया। समीर को लगा शायद थकान की वजह से उसे महसूस हो रहा है। वो बेडरूम में जाकर फिर से बेड पर। सुबह जब वो उठा तो उसने अपने आप को फिर से सोफे पर ही पाया, लेकिन इस बात पर ध्यान ना देते हुए आंखें मलते हुए समीर गार्डन की तरफ पहुंचा। लेकिन उसने देखा कि पेड़ पौधों को तो पहले ही पानी दिया जा चुका है। समीर कुछ ही देर पहले सोकर उठा था। सड़क पर बारिश की एक बूंद नहीं थी, फिर पेड़ पौधों को पानी किसने दिया? वो यही सोचता हुआ डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ ही रहा था कि उसे एक और बड़ा झटका लगा। डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट में आम के कुछ छिलके, गुठलियां और पास में ही एक चाकू पड़ा हुआ था। समीर बुरी तरह डर गया था, क्योंकि उसके सिवा रात में तो और कोई था ही नहीं। इतने में ही समीर का फोन बजा और देखा ऋषभ का कॉल था। तेरे लिए आम छोड़कर आया हूँ। वैसे दिव्या को भी आम काफी पसंद थे, हर रात वो उसे खाकर ही सोती थी। उसे अब सब समझ आ गया था, क्योंकि वो ऋषभ के काफी करीब था। उसे पता था कि उसकी वाइफ को पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। वो उन्हें पानी देना कभी भी नहीं भूलती। उसे जरा भी पसंद नहीं था कि कोई और उसके बेड पर भी बैठे। तो क्या ऋषभ की वाइफ मरने के बाद भी उस फ्लैट में मौजूद थी? समीर को अचानक फिर किचन में से आवाज आई। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जो मंजर उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुला और अपने आप ही बंद हो गया। बर्तन के स्टैंड से प्लेट और चाकू कुछ यूं डाइनिंग टेबल पर आ रहे थे मानो उन्हें कोई उठाकर ला रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। चेयर अपने आप पीछे गई। इसके बाद समीर की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे देखे। चुपचाप सोफा पर जाकर लेट गया, मानो वो ये बताना चाह रहा हो कि वो सो गया है। फिर समीर को बेडरूम के दरवाजा खुलने और कदमों की आहट सुनाई दी, मानो को ये देखने आया हो कि समीर बेड पर तो नहीं सो रहा। और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सारी रात उसने जाग कर काटी और सुबह होते ही हिम्मत करके वो वहां से भाग निकला और सीधा अपने रूम पर पहुंचा और तय किया कि अब वो वापस कभी नहीं जाएगा। लेकिन वो घर तो खुद समीर को अपनी तरफ बुला रहा था। समीर को याद आया कि जल्दबाजी में वो अपना लैपटॉप घर पर ही भूल आया है। ना चाहकर भी उसे ऋषभ के यहाँ जाना पड़ा, और जैसे ही इस बार वो घर पहुंचा उसे वहां ऋषभ
और पुलिस वाले दिखे। समीर सीधा ऋषभ के पास पहुंचा और उसे कल रात का वाकिया सुनाने लगा, लेकिन ऋषभ उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। अचानक समीर की नजर सोफे पर पड़ी लाश पर पड़ी, जो खुद समीर की थी। पुलिस वहां तहकीकात करती है और उन लोगों को पता चलता है कि दिव्या की प्रॉपर्टी के लालच में आकर ऋषभ और समीर ने मिलकर ही दिव्या की हत्या करवाई थी और उसे आम के पेड़ के नीचे दबा दिया था। समीर तो उस रात दहशत में ही मर गया था और ऋषभ को उसके किए की सजा पुलिस ने दिलवाई, लेकिन आज भी उस घर में दिव्या की मौजूदगी का एहसास और उसकी चीख उस घर के आसपास रह रहे लोगों को सुनाई देती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।